अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस लैब वी विल सी अ प्रॉपरली साइज्ड गेट, उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास जो भी कोई डिजिटल गेट होता है या कोई डिजिटल सर्किट है, उसमें एक हमारे पास पुल अप नेटवर्क होता है और एक हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क होता है। पुल अप नेटवर्क क्या करता है कि हमारे इस नोड को जो है वो हाई पोटेंशियल पे पुल करता है, ठीक है, या VDD पे। और जो पुल डाउन नेटवर्क होता है वो हमारे इस आउटपुट नोड को ग्राउंड की तरफ पुल करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सी इन जो है, ये बेसिकली हमारी इनपुट कैपेसिटेंस है, जो गेट कैपेसिटेंस कह लें, हमारे जो इनपुट पे इनपुट सिग्नल के साथ जो गेट्स कनेक्टेड होंगे। ओबियसली यहाँ पे मल्टीपल गेट्स कनेक्टेड होंगे, पुल अप नेटवर्क के भी और पुल डाउन नेटवर्क के भी इनपुट सिग्नल के साथ। तो उनकी जो गेट कैपेसिटेंसेस हैं उनको हम एज सी इन कह सकते हैं। और ये जो सी पी है, दैट इज़ एक्चुअली द पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस आप कह सकते हैं कि हमारी ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंसेस जो होती हैं, ठीक है। तो ये कह लें सी पी जो है ये हमारी पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। आर यू जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। ओबियसली हमारे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, आइडियल पुल अप नेटवर्क होगा तो उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसको हम आर कहते हैं, ठीक है। आर यू इज़ फॉर पुल अप नेटवर्क, और आर पी जो है बेसिकली दैट इज़ फॉर पुल डाउन नेटवर्क। आर डी इज़ फॉर पुल डाउन नेटवर्क। सो लास्ट हमने लैब में थोड़ा सा नैंड गेट का ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था, मैंने आपको डिले वगैरह और प्राइस टाइम फॉल टाइम पावर कैलकुलेशन सारा कुछ ये कैडेंस में करवाया था। तो अभी हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नैंड गेट है, इसको हम इस तरह साइज़ करें कि जो हमारी ड्राइव स्ट्रेंथ है इस गेट की वो इक्वल टू हो जाए इस सी मॉस इन्वर्टर के। ये 1x इन्वर्टर का मतलब ये है कि ये 8λ/2λ या 4λ/2λ से कन्फ्यूज ना हो, ये बेसिकली डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपरली साइज इन्वर्टर होता है उसमें जो पी मॉस होता है उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, लेंथ को हम नॉर्मली चेंज नहीं करते। तो विड्थ को जो है उसकी जो विड्थ होती है दैट इज़ ट्वाइस द विड्थ ऑफ एन मॉस। तो यहाँ पे आप देखें कि इस लैम्डा इज़ डिज़ाइन पैरामीटर, तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ये लैम्डा उस पर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे लैम्डा रखा है। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी वेरी करता है। तो लेट्स सपोज हमारा जो 1x इन्वर्टर है इसमें अगर एन मॉस है, जो उसकी कह लें कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट है वो है 4λ, जो उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है, तो इसकी जो होगी वो ट्वाइस होगी टू 4λ, दैट इज़ 8λ, ठीक है, पी मॉस की। तो ये एक प्रॉपरली साइज्ड हमारे पास इन्वर्टर है 1x। 1x का मतलब है क्योंकि हम इसको लेट्स सपोज मैं अगर इसको 16 कर दूँ, 16λ, और इसको 8λ कर दूँ, तो ये इसको हम कह लेंगे 2x इन्वर्टर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को अगर हम ट्वाइस कर दें विड्थ को डिफ़ॉल्ट से, तो उसको हम प्रॉपरली साइज इन्वर्टर की विड्थ्स को अगर हम ट्वाइस कर दें तो वो 2x हो जाएगा। इसी तरह 3x, 4x डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट लोड। सो हमने क्या करना है कि हमने ड्राइव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, ड्राइव स्ट्रेंथ ये है कि हमारा जो यहाँ से बेसिकली VDD से जो आउटपुट पे कोई भी लोड होगा, कोई कैपेसिटेंस होगी, उसको बेसिकली चार्ज करने के लिए जो करंट है, द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोस फ्रॉम VDD टू दिस नोड, ये बेसिकली ड्राइव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ड्राइव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो करे टू चार्ज द आउटपुट कैपेसिटेंस, तो दैट शुड बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पी मॉस टू आउटपुट नोड ऑफ द इन्वर्टर टू चार्ज द आउटपुट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ड्राइव स्ट्रेंथ इक्वल करने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर, इस सॉरी गेट को इस इन्वर्टर के
को सामने रखते हुए इसको जो है हमें साइज़ करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो उसके लिए आप देखें कि हमें सबसे पहले क्रिटिकल पाथ देखना है। अगर मैं लेट्स सपोज पुल अप नेटवर्क देखूँ, ये मेरा पुल अप नेटवर्क है, ये वी डी डी से यहाँ तक वी आउट तक ये जो अपर पोर्शन है ये हमारा पुल अप नेटवर्क है, ठीक है। तो अगर इस पुल अप नेटवर्क को और इस सॉरी इन्वर्टर के पुल अप नेटवर्क को अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे हमारा जो पी मॉस का कह लें कि हमारी जो उसकी जो डब्ल्यू बाई एल रेशियो है या एस्पेक्ट रेशियो है, दैट इज़ 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा कह लें वर्स्ट केस सिनेरियो है, कि जब हमारा सिर्फ एक पी मॉस ऑन होगा इन दोनों में से। लेट्स सपोज हमारा बी पी मॉस ऑन होगा, तो अगर मैं कह दूं कि इसकी जो विड्थ है दैट इज़ हाफ, क्योंकि हम कह दें कि अगर ये दोनों ऑन है एट द सेम टाइम तो ऑब्वियसली इनकी जो विड्थ होगी वो ट्वाइस होगी इस एक पी मॉस के, अगर हम जो है वो सेम 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा और 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा दोनों की साइज़ कर दें। लेकिन जब ये दोनों ऑन होंगे तो इनकी विड्थ जो है वो इससे ट्वाइस हो जाएगी। ऑब्वियसली ट्वाइस होगी तो फिर मोर करंट विल फ्लो फ्रॉम बोथ द ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो लेकिन अगर हम वर्स के सिनेरियो को देखें, वर्स के सिनेरियो में क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर हमारा एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो उस वक्त जो है वो सेम करंट फ्लो करेगा इस पी मॉस में से नैंड गेट के, जो कि इस इन्वर्टर के गेट में से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ड्राइव स्ट्रेंथ बेसिकली इक्वल होगी जब वर्स के सिनेरियो होगा। तो हमें बेसिकली डिज़ाइन करना होता है वर्स के सिनेरियो के लिए जो साइज़, अगर हम कह लें कि अगर हम इन दोनों को सेम केस में अगर हम इन दोनों की विड्थ हाफ भी रखें, इन दोनों की अगर विड्थ हाफ भी होगी तब भी जो है हमारा अगर ये दोनों एट द सेम टाइम ऑन होंगे तो इनकी जो करंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, अगर हम इन दोनों को 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा रख दें। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की विड्थ दोनों जब पैरेलल में होंगे तो इनकी विड्थ जो है वो दैट वुड एड अप, ठीक है। तो करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा जो इसमें से करेगा, लेकिन वर्स के सिनेरियो में दैट वुड बी लेस। तो हमें बेसिकली डिज़ाइन किसके लिए करना है? वर्स के सिनेरियो के लिए। तो हम क्या करेंगे, 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा ही इन दोनों की विड्थ रखेंगे, 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा और 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, ठीक है, पुल अप नेटवर्क में। लेकिन पुल डाउन नेटवर्क में हम क्या करेंगे, पुल डाउन नेटवर्क में देखो तो हमारे पास दो एन मॉस लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो ट्रांजिस्टर्स अगर सीरीज में हो दैट इज़ सेम एज और वन ट्रांजिस्टर, सिंगल ट्रांजिस्टर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि हम इसकी इनकी जो सिंगल ट्रांजिस्टर है अगर दोनों सीरीज में है तो सेम है एज ए सिंगल ट्रांजिस्टर, तो हम इनको 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी होती है जो पुल डाउन नेटवर्क की, ठीक है। इस केस में रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर की है, इस केस में दो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ट्वाइस हो गई है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो चैनल लेंथ है वो भी ट्वाइस हो गई है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली चैनल लेंथ ट्वाइस हुई है तभी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे अगर दो ट्रांजिस्टर्स हैं तो हमें इस एक की जो विड्थ है इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो गई है। अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई है तो हमें चैनल विड्थ को ट्वाइस कर देंगे ताकि हमारा जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको बजाय 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा रखने के मैं इसको भी 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा से डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारी जो इन पैरामीटर्स पे अगर हम साइज़ करेंगे तो हमारा ये जो नैंड गेट है ये इक्विवेलेंट होगा दिस इन्वर्टर पे इन टर्म्स ऑफ ड्राइव स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर साइजिंग हो गई है, ठीक है। और इसको एनालाइज करना है हमने 3 डिफरेंट केसेस में, ठीक है। अब ये जो है इसका डीसी एनालिसिस हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लैक लाइन समझ लें, ये इन्वर्टर की जो है ना वो जो आइडियल इन्वर्टर है उसकी जो है ये कर्व है, ठीक है। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इन्वर्टर का इस केस में, यहाँ पे हमने 3.3 वोल्ट टेक्नोलॉजी, ये जो है ना ये ग्राफ जो है वो 3.3 वोल्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। तो हम चूंकि 1 वोल्ट कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से भी आपको बताऊंगा सिमुलेशन में, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, अगर 3.3 वोल्ट होगा तो हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी ऑलमोस्ट 1.6 वोल्ट, 3.3 वोल्ट डिवाइड बाई 2, तो 1.6 वोल्ट जो है हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में बताया था। तो इन्वर्टर की जो अगर आइडियल हम देखेंगे तो हमारी जो 1.6 वोल्ट होगी थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर 3.3 वोल्ट, और अगर हम 1 वोल्ट यूज़ करेंगे एन मॉस और पी मॉस और हमारी जो वीडीडी होगी दैट वुड बी 1 वोल्ट, तो हम उस केस में यहाँ पे 0.5 वोल्ट जो है वो कंसिडर करेंगे हमारी जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो हमारे पास तीन केसेस हैं। एक केस तो ये है कि हमारा ए और बी दोनों एट द सेम टाइम स्विचिंग कर रहे हैं, मतलब 0 to 1 ट्रांजिशन हो रही है ए और बी की सेम टाइम पे। ठीक है, एक केस ये है कि हमारा ए जो है वो वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो हाई है, और बी जो है वो ट्रांजिशन हो रही है या स्विच कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। और एक केस ये है कि हमारा ए जो है वो वीडीडी स्विच कर रहा है और बी जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ, बी जो है कनेक्टेड है वीडीडी के साथ या हाई पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो थ्री है, केस थ्री में आप देखें तो हमारी जो पुल अप नेटवर्क है उसकी ड्राइव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पे देखें थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 1.6 वोल्ट से आगे है। ठीक है, तो इस और ये हमारे जो है, ये मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो इसका समय ले कर्व को है मिडल में रखना होता है। ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि तब हमारी ड्राइव स्ट्रेंथ जो है वो बराबर होती हैं। अभी ये हमारा देखें, ये जो कर्व का ये एरिया है वो ज़्यादा है बनिस्बत इस एरिया के। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो पुल अप नेटवर्क है वो इस केस थ्री में स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा जो है ना वो देर के लिए जो पी मॉस जो है पुल अप नेटवर्क है दैट इज़ ऑन। ठीक है, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप देखें कि यहाँ पे केस थ्री में स्विचिंग हो रही है सेम टाइम में। ठीक है, अब अगर दोनों पी मॉस एट द सेम टाइम ऑन होंगे इन्वर्टर से, ये देखें ये इसका जो है ना वो मैं बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं इन्वर्टर से। ठीक है, तो इन्वर्टर से इसकी ड्राइव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम दोनों सेम टाइम पे ऑन करेंगे तो हमारी जो विड्थ है वो हाफ होनी चाहिए, तब भी हमारा करंट सेम होगा इसके। लेकिन चूंकि अभी ये दोनों सेम टाइम पे ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब है दिस पी मॉस एंड दिस पी मॉस आर सेम आर ऑन एट द सेम टाइम, तो इनकी जो आप कह लें जो विड्थ है वो भी इससे ट्वाइस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेलल में अगर हम रखेंगे और सेम टाइम पे ऑन हो तो ये विड्थ हाफ होनी चाहिए, तब जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट वुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पी मॉस। ठीक है, लेकिन अभी जो कि विड्थ डबल हो जाएगी एट द सेम टाइम, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट विल बी ग्रेटर और ये जो हमारा एन मॉस पुल अप नेटवर्क है इसकी जो ड्राइव स्ट्रेंथ है वो इस एन मॉस इस पी मॉस से या इस पुल अप नेटवर्क से जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा जो कर्व है वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स राइट। अब सेकंड वर्स, ये वर्स के सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वर्स के सिनेरियो वो है टू। तो टू में आप देखें, केस टू में हमारा पुल डाउन नेटवर्क स्ट्रांग है। पुल डाउन नेटवर्क क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि हमारा एक पी मॉस हर वक्त ऑफ है। ठीक है, एक पी मॉस ऑफ है और यहाँ पे आप देखें कि एक एन मॉस हर वक्त ऑन है और दूसरा ऑन होता है और ऑफ होता है। ठीक है, तो दूसरा स्विचिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियसली दो एन मॉस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारा पुल डाउन नेटवर्क इस केस में जो है वो स्ट्रांग है। तो इस वजह से जो कर्व नंबर टू है ये शिफ्टेड है लेफ्ट साइड पे इन्वर्टर की, जो आइडियल इन्वर्टर की कर्व है उससे। तो अब हम इन्हीं कर्व्स को एनालाइज करेंगे कैडेंस सॉफ्टवेयर में। तो ये मेरे पास जो है वो इन्वर्टर है, यहाँ पे आप देखें कि तो ये हमारे पास जो है वो एक नैंड गेट है, हमने लास्ट लैब में जो इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो अभी मैंने इसको प्रॉपरली साइज़ किया है सेम उसी इन्वर्टर को, उसी गेट को। तो मेरे पास जो इसकी डिफ़ॉल्ट फिट थी वो थी 120 नैनोमीटर। ठीक है, जीपीडी के 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो
मैंने इसको जो पी मॉस है उसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो ट्वाइस होती है, 120 थी डिफ़ॉल्ट, तो उसको मैंने टू से मल्टीप्लाई करके 250 नैनोमीटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह चूँकि इसकी भी सेम थी 8 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, इसका मतलब है जो पी मॉस की है वो भी एन एन मॉस की होनी चाहिए, तो इसको मैंने दोनों को 250 नैनोमीटर कर दिया, एन मॉस को भी। अच्छा, उसके बाद जो है हम उन्हीं सेम केसेस को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं जो है केस जो है उसमें क्या करूँगा कि मेरा जो बी है वो स्विच कर रही है फ्रॉम 0 टू 1, वो ट्रांजिशन स्टेट में है 0 टू 1, और जो ए है इनपुट दैट इज़ कनेक्टेड टू VDD दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, ये 1 वोल्ट है और ये कनेक्टेड है VDC से बी ए, और जो बी है दैट इज़ स्विचिंग फ्रॉम 0 टू 1, इसको मैंने वेरिएबल रख दिया वी इन, इसको हम स्वीप करेंगे 0 से 1 पे। तो हम करते हैं लॉन्च ADEL, सो आई हैव सेव्ड अ स्टेट इन ADEL, मैं उसी को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ट्रांजिएंट एनालिसिस है, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने जो वी इन डिज़ाइन वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे पहले डिज़ाइन वेरिएबल में मैंने उसको वैल्यू 1 दी, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने DC एनालिसिस पे आके शूज डिज़ाइन वेरिएबल सेलेक्ट डिज़ाइन वेरिएबल वी इन, सेम DC एनालिसिस जो मैंने आपको पहले भी करवाया, और उसके बाद स्टार्ट टाइम 0 एंड स्टॉप टाइम 1, 0 से 1 के दरमियान इसको स्वीप करेंगे, ठीक है। तो यही सेम DC एनालिसिस, आपने ओके कर देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो आपने प्लॉट करना है, प्लॉट्स को प्लॉट करनी है आपने इनपुट और आउटपुट, ठीक है, तो ये आपने यहाँ से आउटपुट्स टू बी प्लॉटेड, ठीक है, सेलेक्ट ऑन स्कीमेटिक, तो ये देखिए मैंने एक इनपुट सेलेक्ट की हुई है, ये वी इन जो स्वीप हो रही है, ठीक है, और बेसिकली जिसको हम इनपुट पी जिसको हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 0 टू 1, और आउटपुट वी आउट ये, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और हम वापस जाएंगे ADEL पे और इसको हम प्लॉट कर देंगे। यहाँ से आपने चूज़ करना है अपेंड, ठीक है, और इसको हम प्लॉट कर देंगे एक बार, फिर हम इसी के साथ ही जो सेकंड है केस उसको प्लॉट करेंगे। तो आप देखें कि ये कितना हमारा जो इस केस में हमारा जो एन मॉस या पुल डाउन नेटवर्क है वो उसकी ड्राइव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली ये यहाँ पे होना चाहिए था 0.5 वोल्ट पे हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, लेकिन ये आप देखें ये कहाँ पे है 0.4 वोल्ट पे, 0.42 या 0.42 पे, ऑलमोस्ट 43 पे, ठीक है। तो हमारी ड्राइव स्ट्रेंथ बहुत, इसकी पी मॉस की जो पुल अप नेटवर्क है उसकी ड्राइव स्ट्रेंथ कम है, और एन जो पुल डाउन नेटवर्क है उसकी ड्राइव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब हम सेकंड केस को जो है इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारा दूसरा केस है उसमें क्या है जो वर्स केस है, एक टू था जिसमें हमने बी को ट्रांजिशन स्टेट में रखा है और ए को हमने VDD से कनेक्ट कर दिया या हाई पे, उसके साथ ही जो
जो सेकंड वर्स केस है वो है ये केस नंबर 3, जिसमें दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं एन पी मॉस जो दोनों इनपुट्स हैं वो सेम स्टेट पे, ट्रांजिशन स्टेट पे, तो हम क्या करेंगे? हम इस एक इनपुट को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, इसको आपने कर देना है सेव। फिर हम वापस जाएंगे अपने डिज़ाइन एनवायरनमेंट में और यहाँ से हम फिर जो है वो दोबारा सेम एनालिसिस को जो है वो रन कर देंगे। यहाँ पे आपने अपेंड लाजमी लिखना सेलेक्ट करना है यहाँ से, तब जो है हमारे पास एक ही, ये देखें, एक ही फिगर में दोनों प्लॉट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि आपका जो पुल अप नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग है पुल डाउन नेटवर्क से, लेकिन ये थोड़ा, अब देखें ये थोड़ा सा थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया, ये 5.3 पे चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास दो जो वर्स केसेस थे वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप जो उस थर्ड केस है उसको भी हम इसी के ऊपर प्लॉट करके बल्कि देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा था कि ए जो है वो वीडीडी से कनेक्टेड होगा, जो ये वाला केस है केस वन, इसमें क्या है ए जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में है और बी जो है वो वीडीडी से कनेक्टेड है। ए को मैं ट्रांजिशन स्टेट में रखता हूँ, ए इज इन ट्रांजिशन स्टेट एंड बी इज कनेक्टेड टू वीडीडी। तो हम फिर सेम सिमुलेशन को रन करेंगे। कुछ एरर है आई थिंक सर्किट में, उसको मैं
आई थिंक मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक हो गया है। मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्ट्रक हो गया था, तो जो K3 है दैट इज़ नॉट वर्किंग ऑन माई सॉफ्टवेयर। तो हम इन्हीं दो केसेस को जो है वो फिर इसी तरह स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि हमने जो वर्स केस सिनेरियोस थे वो तो हमने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो एक केस में जो है हमारी ड्राइव स्ट्रेंथ जो है वो पुल अप नेटवर्क की ज़्यादा है, और एक केस में जो है वो पुल डाउन नेटवर्क की ज़्यादा है, ठीक है। तो एक जो हमारा K3 है दैट वुड लाई इन बिटवीन दीज टू वर्स केस सिनेरियोस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को कैंसिल करके आपने जो है ना ट्राई करना है कि सिर्फ एक उसी को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। मैं भी कोशिश करूँगा अगर मेरे से हो गया ठीक, वरना आपने इन दो केसेस को ही सिर्फ जो है वो इसी तरह प्लॉट करके अपनी लैब रिपोर्ट में अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा नैंड गेट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस लैब का, उसमें हम जो है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन को जो है वो किस तरह आपने एक कह लें कि ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में जो है उसको अगर आपने या आईसी की फॉर्म में किसी बूलियन एक्सप्रेशन को जो है वो इस कैडस में प्लॉट करना है, तो वो जो है हम पार्ट 2 में इस लैब के जो है वो स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो ये मैं पार्ट 1 इसी इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है नैंड गेट की जो है वो प्रॉपर साइजिंग थी।